हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तरोई की भरवा मसालेदार सब्जी। कभी कभी सिंपल खाना खा के हम बोर हो जाते हैं तो कुछ मसालेदार खाना खाने का मन करता है, तो चलिए आज हम इस मसालेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तरोई की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हुए हैं ये तरोई, और इन्हें हमने धुल के छील लिया हुआ है। अब हम इनके बड़े बड़े टुकड़े में कट करेंगे, तो ये लगभग हम 2 इंच के टुकड़े में इसे कट करेंगे इस तरह से। तो देखिए, सेम इसी तरीके से हम सभी तरोई को बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे। क्योंकि हम भरवा तरोई बना रहे हैं तो इसे बड़े बड़े टुकड़े में कट करेंगे। और ये देखिए, अब हम इसमें बीच से इस तरीके से चीरा लगाएंगे। तो बस हमें इस तरीके से इसे कट करना है कि ये नीचे से जुड़ा रहे और जिसके अंदर हम अच्छे से मसाला स्टफ़ कर सकें। तो यहाँ पर हमने सभी तरोई को अच्छे से काट के तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है, 15 से 20 कलियाँ हमने लहसुन की ली हुई हैं। लहसुन आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसे हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है मैंने, उसे हमने छील के इसमें डाला हुआ है। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। तो हमें इसे ऐसे ही सूखा पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया हुआ है, और ये हल्का सा दरदरा है क्योंकि हमें इसे हल्का सा दरदरा ही पीसना था। बहुत ज़्यादा हमें इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना था। ये देखिए, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के जितना हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला हुआ है मैंने जिससे कलर अच्छा आएगा, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हमने इसमें पीसी हुई मेथी डाली हुई है। तो मेथी को भून के तवे में हमने पीस के रखा हुआ है, वो डाल दिया हुआ है। सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा प्याज और ये जो मसालों का मिश्रण है तैयार है। अब हम इस मसाले को तरोई में स्टफ़ कर लेंगे। तो बस सिंपल सा हमें इस तरीके से इसमें भर देना है जितना मसाला इसके अंदर आ जाए। इसी तरीके से हम सभी तरोई भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी तरोई थी सभी को मसाले से भर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हमारा ये मसाला बच गया है, तो इसे हम बाद में सब्जी में यूज करेंगे, जिससे कि ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब कढ़ाई में हमने तेल डाला हुआ है, 3 से 4 बड़े चम्मच हमने तेल डाला हुआ है। सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम हींग और जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो 1 पिंच के जितना मैंने इसमें तेल में हल्दी पाउडर डाला हुआ है, जिससे कि सब्जी का कलर अच्छा आएगा। अब ये जो स्टफ की हुई तरोई रखी है उसे हम इस तेल में डाल देंगे, और इसे पलट पलट के हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे। तो इसे पलटने के लिए हमने इस तरह की कलछी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे जो मसाला होगा वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। अब जो हमारा बचा हुआ मसाला था, इसके ऊपर हम वो भी मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे तरोई के साथ अच्छे से। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। इसमें पानी अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-3 मिनट तक इसे पका लिया हुआ है, जिससे कि हमने जो कच्चा मसाला डाला था वो भी तेल में अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें। ये देखिए, अब हमने इसे ढक के पकाया हुआ है कम से कम 10 से 12 मिनट तक, और ये हमारी तरोई की भरवा मसालेदार सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है, क्योंकि हरी सब्जी में ज़्यादा गरम मसाला का टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। स्वाद और सेहत से भरपूर ये हमारी तरोई की बहुत ही लाजवाब सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खाएं, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।